अब मैंने बीच के अंदर इस कैपेसिटर को लगा दिया है और अब हम इसको वापस लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि मैं टेपिंग नहीं कर रहा हूँ, अब अंदर ये वाला बल्ब लगाएंगे। ये देखो दोस्त, ये इतना सा ही जल रहा है, ठीक है। जब और हम इस वाले बल्ब को, दोस्तों आज की वीडियो होगी जो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक की वीडियो है, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही देखा है और हम उसी के बारे में हम अच्छे से जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि पंखे के सेल से लोकल बल्ब को 3 साल चलाए, एलईडी बल्ब को 3 से 4 साल चला सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होएगा। आइए वीडियो को देखते हैं और आप इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाया हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये देख सकते हो 280 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, 81 की वोल्टेज लमसम आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं हमारे यहाँ पर, केवल बल्ब की ही प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर ज़्यादा वोल्टेज मिलने की वजह से पंखे भी ख़राब हो जाते हैं। वोल्टेज हैं ये ज़्यादा वोल्टेज हैं, इसको कम चाहिए, मैक्सिमम 200-220 वोल्टेज होना चाहिए, तब बराबर ये वाला बल्ब गारंटी वाला 2 साल कंपनी लेती है उतने चलेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके आ रही हैं तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जितना हो सके उतना लोकल बल्ब, आप 30 रुपये वाला बल्ब एक आते हैं वो वाला बल्ब भी इसको 2 साल को चला सकते हैं उसको अच्छे से, वो भी ये ऐसा नहीं कि रोशनी कम पड़ जाएगी, फुल रोशनी के अंदर चलेगा वो। तो हम इसके अंदर, हमने इसके अंदर यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हो एलईडी बल्ब अच्छे से जल रहे हैं, ठीक है। अब इसको वोल्टेज 280 वोल्टेज से बिजली चल रही है, ये इस वोल्टेज क्रॉम्पटन का है, कंपनी का है। इसको अगर मैं यूज़ में भी लगाऊँगा ना दोस्तों, मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ये ख़राब हो जाता है, बहुत सारे लगा कर मैंने देख लिए हैं ख़राब हो जाता है। तब मैंने क्या किया है, इसका कैपेसिटर का यूज़ में लिया है, ठीक है। मैं खुद 30 रुपये का बल्ब लगा यूज़ में ले रहा हूँ और उसको 30-40 रुपये का की जो कैपेसिटर आता है इसको हमने वायर के बीच में लगा कर इसको यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ बल्ब के बारे में ही बता रहा हूँ, पंखे फ्रिज के बारे में भी हम बताएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो मैं बल्ब के बारे में बता रहा हूँ कि 30 रुपये वाले एलईडी बल्ब को 2 साल तक इसको एक कैपेसिटर के थ्रू इसको चला सकते हैं, बिजली भी बचेगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, ये 4 MFD कैपेसिटर है, इसको हम क्या करना है, ये हमारे पास वायर है, ठीक है। इस वायर को, किसी भी एक वायर को कट करना है यहाँ से और उसके बीच में इस वायर को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक। हमने इसको ऑफ किया और यहाँ पर इसको कट किया, यहाँ पर कट कर दिया है, कुछ नहीं करना, सिंपल बहुत ही आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बीच में इस वायर को कट कर दिया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपल बहुत ही आसान तरीका है। और अब मैंने बीच के अंदर इस कैपेसिटर को लगा दिया है और अब हम इसको वापस लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि मैं टेपिंग नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हो बिल्कुल भी रोशनी के अंदर फ़र्क नहीं आया है, जैसा पहले चल रहा था उतना ही बाद में ही चल रहा है कैपेसिटर से, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर के थ्रू हम इस वाले बल्ब को चलाएंगे ना, इस वाले बल्ब को हम चलाएंगे ना दोस्तों, तो उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं देगा जितना यह देता है। हमने इसको हटाया और इस वाले होल्डर को अंदर ये वाला बल्ब लगाएंगे। ये देखो दोस्त, ये इतना सा ही जल रहा है, ठीक है। जबकि इसकी रोशनी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं इसको शॉर्ट करके वापस बता देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्त। अब हमने यहाँ पर टच कर लिया, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, तो बल्ब थोड़ा सा तेज चल रहा है और हमने इसको यहाँ से हटा दिया है, तो यहाँ पर इतना कम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला एलईडी बल्ब क्या होता है दोस्तों, जितना वोल्टेज कम होगा उतने वोल्टेज के अंदर ही ये जल जाता है और इसको वोल्टेज पूरा चाहिए, ठीक है। 300 वोल्टेज भी हो जाता है तो चलेगा ये वाला, क्योंकि ये करंट ज़्यादा खाता है और ये कम खाता है, इसके लिए 50 वोल्टेज भी अगर आ रहे हैं तो ये जलने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर देखते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, देखेंगे दोस्तों। जो कैपेसिटर का जो वायर आ रखा है
इस वायर से इधर हमारा करंट कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर उसको चेक किया, ये देखो दोस्तों अभी 102 वोल्टेज हो चुके हैं। 280 वोल्टेज थे पहले, मैंने आपको बताया था इस बोर्ड यहाँ पर हम सप्लाई इसको चेक करेंगे तो बहुत ही कम वोल्टेज हो गया, 102 वोल्टेज या 3 वोल्टेज हो रहे हैं, मतलब कि 100 वोल्टेज हो चुके हैं, 180 वोल्टेज इसके अंदर कम पड़ चुका है, ठीक है। और हम इस वाले बल्ब को इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये वाला बल्ब थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आएगी इसलिए थोड़ा साइड में कर लेता हूँ बल्ब को। इस वाले लोकल एलईडी बल्ब हैं, इसको आप 2 से 4 साल 3 साल 4 साल इसको आसानी से इसको चला सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और सारी मिलती रहे दोस्तों। आप एलईडी बल्ब को 30 वाले एलईडी बल्ब को 30 रुपए के कैपेसिटर से 3 या 4 साल इसको गारंटी बन चला सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखकर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए।